स्कूल जा रहा है वो, और कहाँ जा रहा है? डैड 1000 रुपए दे दो। काहे 1000 रुपए काहे चाहिए? बच्चों से ऐसे बोलते हैं? और कैसे बोलते हैं? बेटा 1000 रुपए काहे चाहिए ऐसे बोलते हैं। अच्छा काहे चाहिए 1000 रुपए? अब सही बोली तू। अरे यार तुम काहे बच्चा के पीछे पड़ी हो? लेकिन डैड तू चुप बैठ। और तुम बच्चा नहीं रह गया है, ये बड़ा हो गया है। लेकिन इतना बड़ा तो नहीं हो गया है। क्या बात बोली है डैड, मेरा तो मुँह फट गया। मुँह फटा ना, अब चुपचाप स्कूल जा वरना तेरी माँ तेरा सब कुछ फाड़ देगी। उसका ही नहीं, मैं तुम्हारा भी सब कुछ फाड़ दूंगी। हमारा कदुआ फाड़ लियो, हमारी टी शर्ट पहले ही फटी है। लेकिन डैड कल तो सिलवा के लाया था, इतनी कैसे फट गई? कमीज कैसे फटी जा बताओ पहले। अरे यार पड़ोसन ने फाड़ दी। कमीज कहाँ फाड़ दी? अरे यार हम कल उनके घर गए तो उनने कही कि मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ, मुझे एक पुड़िया बाजार से लाके बिस दे दो। उन्होंने बिस बोला, मैंने सोचा किस दे दो, तो मैंने एक किस कर दी, तो भाई उन्होंने मेरे तो लात घूंसा बजा दिया और कपड़े फाड़ दिए। बेइज्जती करवा रहे हो तो हम समझा के देखे। तू बता कहाँ दिए 1000 रुपए? तो फिर भाई बात तुम चुप रहे एकदम। तू बता मम्मी 1000 रुपए दिवा तो दे, बाद में बताए। सरप्राइज है सरप्राइज। अरे सुअरिया एक गिफ्ट मतलब तोहफा, सरप्राइज सरप्राइज, तोहफा नहीं जाना था, तोहफा वही तोहफा। हाँ तोहफा है, तोहफा तोहफा। चलो ठीक दे दीजिए 1000 रुपए, चलो दे दो। ठीक अबे दे रही। 2 hours later